हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का इस वीडियो में भी स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एडजेक्टिव, वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये एडजेक्टिव को मैंने कौन से कैटेगरी में रखा था, मैं जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा था तभी उन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने एक दो कैटेगरी में रखा था। एक कैटेगरी को हम ओपन एंडेड कैटेगरी बोले और दूसरे को क्लोज एंडेड कैटेगरी बोले थे। तो अभी मुझे बताओ, ये एडजेक्टिव जो है वो ओपन एंडेड कैटेगरी में आएगा या फिर क्लोज एंडेड कैटेगरी में आएगा? Yes, ये जो है ये ओपन एंडेड कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि हम एडजेक्टिव का नाउन बना सकते हैं, नाउन का एडवर्ब बना सकते हैं, एडजेक्टिव का एडवर्ब बना सकते हैं एलवाई वगैरह ऐड करके। मतलब इस एडजेक्टिव का क्लास हम चेंज कर सकते हैं सफिक्स लगा के, तो उसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्लास। ओके, ये हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये हमारा ओपन एंडेड क्लास में आ जाएगा। और आज हम देखते हैं कि एडजेक्टिव को सेंटेंस में कैसा यूज करना है और कितने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है और उसका पोजीशन क्या है। मतलब जब कभी सेंटेंस में एडजेक्टिव आपको दिखेगा तो इजीली आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। ये इस लेसन का पीछे का इंटेंशन होगा। और ये जो लेसन पढ़ा रहा हूं मैं, देखो अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ा रहा हूं। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर आपको आइडेंटिफिकेशन आएगा, मतलब आप इजीली आइडेंटिफाई करोगे इच एंड एवरी क्लास को। तो इसीलिए मैं ये एडजेक्टिव जो है ना उनको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को फोकस करके पढ़ा रहा हूं, और हमारे जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनको भी फोकस करके पढ़ा रहा हूं। तो ध्यान से थोड़ा समझ लो। देखो एडजेक्टिव का एक बात समझ में, एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या होगा कि ये डिस्क्राइब करता है किसको, नाउन को और प्रोनाउन को। अब डिस्क्राइब जब कर रहा है तो इसका पोजीशन क्या होगा, तो दो पोजीशन ये लेता है। एक होता है एट्रीब्यूटिव पोजीशन होता है, और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव पोजीशन। अब एट्रीब्यूटिव पोजीशन यानी क्या, मैं अगर बोला रोहित इज अ ब्रेव बॉय, तो यहां पे ये ब्रेव किसे कहा गया है, बॉय को कहा गया है। मतलब ये नाउन के बिफोर आया है, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ में आ गया? एट्रीब्यूटिव यानी क्या, जो बिफोर द नाउन है उसको हम एट्रीब्यूटिव बोलते हैं। और फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहां पे ब्यूटीफुल क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये कब आया है, किसके, ब्यूटीफुल कौन है, गर्ल है, ये नाउन के बाद में आया है, इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव। तो आपको क्या समझ में आ गया, जो एडजेक्टिव है उसके दो पोजीशन होते हैं सेंटेंस में, कभी एट्रीब्यूटिव का पोजीशन होता है, कभी प्रेडिकेटिव का पोजीशन होता है। एट्रीब्यूटिव यानी क्या मैंने ये बताया, और प्रेडिकेटिव यानी क्या ये भी मैं आपको बता दिया। अगर ये क्लियर हो जाता है तो हम अभी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देते। मैं 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आपको यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वो कौन से हैं, तो पहला क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, उसके बाद में क्वालिटी एडजेक्टिव, नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इतने प्रकार के हम एडजेक्टिव्स आज जो है ना डिस्कशन करने वाले। सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अभी देखो हम मार्केट में जाते हैं कुछ खरीदी करने के लिए, बराबर है। मार्केट में जाने के बाद हम उस प्रोडक्ट का, हम उस थिंग का क्वालिटी देखते हैं। और कपड़े लेने को जाते हैं तभी हम बोलते हैं अच्छे क्वालिटी के कपड़े बताओ, बराबर है। ये क्वालिटी की जब बात होती है कोई थिंग की, वो सभी क्वालिटी जो है वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएगा। मैं अगर बोला किसी को गुड,
तो वो उसकी क्वालिटी हो गई। मैंने अगर किसी को बोला क्लेवर, वो उसकी क्वालिटी हो गई। मैंने अगर बोला किसी को बैड, तो ये भी उसके बारे में है, पर्सन के बारे में, पर्सन कैसा है ये जो बताता है वो हमारा एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट क्या हो गया, इंटेलिजेंट भी हमारा एडजेक्टिव है। कलर भी वाइट, रेड, पिंक, जो भी कलर लोगे वो भी एडजेक्टिव में आता है। मतलब क्या है कि जो भी स्मॉल है, ऑनेस्ट है, स्मॉल, ऑनेस्ट, बिग, लार्ज, ये सभी जो है ये सभी एडजेक्टिव है। ठीक है, अभी एक बात समझ में आना, किसी की भी अगर क्वालिटी आप बताने जाओगे, कोई भी चीज की, ये डस्टर की भी अगर क्वालिटी बताने जाओगे, ये पेन की भी क्वालिटी बताने जाओगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये क्वालिटी जो है हम एडजेक्टिव बोल करके लेते हैं। फिर क्वालिटी कैसी भी हो, किसी इंसान के बारे में जब बता रहे हैं हम लोग, कब बताते, दोस्तों के बारे में बताते, दुश्मनों के बारे में बताते, वो कैसा है, वो कैसा है जब बताते हैं, ये कैसा है वर्ड जो है यह एडजेक्टिव उसका आंसर होता है, एडजेक्टिव उसका आंसर होता है। अब अगर पहला समझ में आ गया तो दूसरा हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब जहां पे मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्वांटिटी जो है, जो अनकाउंटेबल है, जो अनकाउंटेबल है वो क्वांटिटी में गिनती करते हैं, जिसमें जिसमें हो गया सफिशियंट, जिसमें हो गया ग्रेट, जिसमें हो गया फ्यू, इनफ, ऑल, नो, ये सभी जो है, ये सभी क्या है, ये सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इनसफिशियंट, सफिशियंट यूज करते हैं, फ्यू यूज करते हैं, नो यूज करते हैं, मच यूज करते हैं, सम यूज करते हैं, ये सभी जो है वो आता है क्वांटिटी। अब जब कोई क्वांटिटी, देखो शुगर हम जब लेते लेने जाते हैं तब हम क्या कैसे पूछते हैं, एक शुगर तो बोलते हैं क्या, नहीं, हमें क्वांटिटी बोलते हैं, हमें क्वांटिटी, सम शुगर, मच शुगर, ये क्वांटिटी बोलते हैं। जब उसके साथ एक मेजरमेंट हम ऐड करते हैं वो सभी क्वांटिटी जो है हम एडजेक्टिव बोल करके लेते हैं। इनफ, सफिशियंट, ये जो वर्ड बोल रहा हूं, मच, सम, ऑल, ओके, ये सभी जो है ये सभी क्वांटिटी में आते हैं। थर्ड जो है, तीसरा प्रकार जो है जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अभी देखो नंबर बोलने के बाद हम नंबर एक तो 1, 2, 3, 4 लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार हम नंबर लिखते हैं, बराबर है। कभी ये नंबर लिखते हैं और कभी ये नंबर लिखते हैं। ये नंबर को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर, क्या बोलते हैं, कार्डिनल बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर, और ये सभी जो नंबर है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में हम कंसिडर करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलने के बाद कार्डिनल नंबर कौन से है और ऑर्डिनल नंबर कौन से है। अगर ये समझ में आ गए, सभी नंबर जहां पे भी अगर आप ले, 1 रुपी लोगे, 2 रुपीज लोगे, या फिर 10 रुपीज, 10,000, ये सभी जो है उन सभी को हम क्या बोलते हैं कि हम सभी को हम नंबर बोलते हैं, और वो नंबर होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और कोई भी सेंटेंस में ये अगर आपको नंबर दिखता है तो आपको समझ लेना है कि ये क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। इसके बाद में हम क्वालिटी देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव। अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब डेमोंस्ट्रेटिव क्या है, हमने डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा है, देखो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दिस, दैट, दीज, दोज, ओके, ये सभी क्या है, डेमोंस्ट्रेटिव क्या है, एडजेक्टिव भी है और डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। अभी कैसा आइडेंटिफाई करना है कि ये एडजेक्टिव या प्रोनाउन है,
तो आप अगर प्रोनाउंस की वीडियोस देखोगे तो आप वहां पे भी मैंने एक्सप्लेन किया है और यहां पे भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैंने ऐसा लिखा, दिस इज माय पेन, ये दिस क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। अगर मैं ऐसा यूज करता हूं, दिस पेन इज माइन, देखो यहां पे क्या हो रहा है कि ये पेन जो है नाउन हो है और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ध्यान में रखना है। मतलब यहां पे देखो दिस दिस दोनों सेम है लेकिन फंक्शन अलग है, फंक्शन जो है ना इसके फंक्शन अलग है, ये होता है दिस जो है यहां पे अकेला यूज हुआ है और यहां पे नाउन के साथ यूज हुआ है, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव और ये हो गया हमारा प्रोनाउन, इस तरह यूज करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ओके। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है ये नाइदर ईदर ईच ये होते हैं। ईच बॉय शुड ओबे, अगर मैं यूज किया ईच बॉय शुड ओबे तो वो हो गया हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि ईच के बाद में मैंने बॉय यूज किया है और वैसे ही इसके साथ एवरी भी लिखना नहीं भूलना है। ये सभी जो है एवरीबडी एवरीवन एवरीमैन शुड गो देयर, इस प्रकार के अगर सेंटेंस अगर आ गए तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप देखो इसमें एक्सप्लेन करने का उतना ये नहीं है, अब एरर कैसा फाइंड आउट करना है ये मैं एरर के लिए अलग वीडियो बना रहा हूं, जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है और अलग अलग एडजेक्टिव कैसे आइडेंटिफाई करें, अलग अलग एडजेक्टिव में कौन से प्रकार के वर्ड्स आते हैं, यही बताना मेरा इस वीडियो के माध्यम से उद्देश्य है, यही मेरा उद्देश्य है, ठीक है। अब बाद में एरर क्या-क्या निकलते हैं एडजेक्टिव में वो सभी मैं अगले वीडियो में जब मैं एक-एक सेंटेंस आपको एक्सप्लेन करूंगा तभी मैं एरर फाइंड आउट करूंगा। अभी नेक्स्ट जो होता है वो होता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटरगेटिव एडजेक्टिव क्या क्या होता है, व्हाट विच, ये जो होता है ना ये इंटरगेटिव एडजेक्टिव। देखो ऐसा लग रहा होगा कि सर ये प्रोनाउन में आता है और उसके बाद में ये किस में आता है, ये एडजेक्टिव में भी आता है, लेकिन प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या फर्क है ये मैं आपको बताता हूं कि दोनों में क्या फर्क है। अब मैं अगर बोला कि हूज बैग इज दिस, Whose bag is this? तो ये whose bag जो है ये bag क्या है, noun, noun के साथ whose आया है, मतलब ये क्या हो गया हमारा interrogative adjective हो गया। मतलब देखो कहीं पे भी adjective के साथ, अब मैं इतना जब explain कर रहा हूं देखो हर जगह पे adjective के साथ noun और pronoun आ रहा है क्योंकि वह noun और pronoun को describe करता है। Next जो है वो है possessive adjective, पजेसिव एडजेक्टिव, अभी पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देखो पजेसिव प्रोनाउन आपको पता है, पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माय अवर यूअर ही इज Her, it, there, ये जो है पूरे, ये पूरे possessive क्या है, adjectives है। अब possessive pronoun क्या है, देखो इसको अगर yes yes लगा दोगे तो possessive pronoun बन जाएगा, इसका अगर yes yes हटा दोगे तो possessive adjective बनेगा, लेकिन इसका use कैसा होता है, देखो this is my bag, okay, that was his book,
इस प्रकार अगर मैं यहाँ पे इज क्या हो गया, बुक के बिफोर आया है मतलब एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे बैग माय जो है बैग के बिफोर आ गया मतलब ये एडजेक्टिव हो गया, ये डिस्क्राइब कर रहा है इसको, ये डिस्क्राइब कर रहा है इसको, मतलब ये हो गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अभी उसके बाद में एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव भी है जिसको हम वेरी बोलते हैं, कभी कभी वेरी भी एम्फेसाइजिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी है जो व्हाट से शुरू होता है। देखो जहां कहीं भी मुझे ये बताना है इस एडजेक्टिव के माध्यम से, एक ही बात सोचना है कि नाउन और प्रोनाउन के बिफोर जो भी वर्ड आ रहा है नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए उसको सभी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अब वो अलग अलग काइंड हो सकता है, कोई क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो सकता है, कोई क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो सकता है, कोई इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है, डेमोस्ट्रेटिव हो सकता है, एडजेक्टिव इन नंबर हो सकता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो सकता है, ये कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन ये एडजेक्टिव आते हैं नाउन के साथ, ये बात ध्यान में रखना है। जहां कहीं भी नाउन और प्रोनाउन है और उसको अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आपको एडजेक्टिव लेना पड़ेगा। ये ज्यादा से ज्यादा किसी की तारीफ करना है, किसी की अगर तारीफ करना है तो विदाउट एडजेक्टिव आप तारीफ नहीं कर सकते। और मैंने ये भी बोला है, देखो मैंने क्या बोला था और एक बार, कि हम कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल यूज कर सकते हैं, बराबर है। अगर मुझे अ बॉय यूज करना है, अ बॉय, और मुझे बॉय की क्वालिटी बताना है, बॉय की अगर क्वालिटी बताना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए को और बॉय को स्प्लिट करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे क्लेवर लिखना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्प्लिट करके इसको इधर हटा के यहाँ पे क्लेवर को मैं इंसर्ट करूँगा। मतलब ये है पोजिशन एडजेक्टिव का। इसको कौन सा एडजेक्टिव बोलते हैं हम, एट्रीब्यूटिव बोलते हैं या प्रेडिकेटिव बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव यानी बिफोर, बिफोर द नाउन आने के बाद इसको हम एट्रीब्यूटिव बोलते हैं। इस तरह हम उसको स्प्लिट करके, देखो ये जो नाउन आया है ये क्लेवर के लिए नहीं आया है, नाउन ये जो आर्टिकल है ये क्लेवर के लिए नहीं आया है, तो ये नाउन के लिए आया है। कभी भी आर्टिकल जो है वह कॉमन नाउन के लिए आता है, तो ये बात जो है ना आपको समझ में आना चाहिए, ये एक फ्रेज बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडवर्ब सिखाऊंगा, एडवर्ब के फंक्शन, एडवर्ब के काइंड, और उसके बाद में हम अलग अलग सेंटेंसेस में से जो सेंटेंस पार्सिंग करके हर एक वर्ड फ्रेज क्लॉज जो है ये सभी डिटेल्स मैं आपको सभी डिटेल्स मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। और आप कंटिन्यूअसली मेरे वीडियोस के साथ अगर लगे रहते हैं, देखते हैं, तो मैं डेफिनेटली ये भी बोलता हूं कि जब तक आपका ग्रामर परफेक्ट नहीं होगा, जब तक आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर फुल्ली प्रिपेयर नहीं होगे इंग्लिश में, तब तक आपको नहीं छोड़ूंगा। हर कंसेप्ट आपको आपका मैं क्लियर करके ही छोड़ूंगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करो और अपने जो भी दोस्त है उनको शेयर करो, क्योंकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। जैसा कि मैं बोलता हूं, कर भला सो हो भला। आप अगर दूसरों का भला करने के लिए सोचोगे तो आपका भी भला होगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा आप क्या करना है कि सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरे जो वीडियोस हैं बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपको मैसेज आएगा और उस मैसेज को देख के आप क्या करोगे, मेरा वीडियो अटेंड कर पाओगे। क्योंकि मैं हमेशा अलग अलग कंटेंट पे वीडियो बना रहा हूँ, अलग अलग कंटेंट इतना यूजफुल होगा आपको, एकदम डीप में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ये सभी पॉइंट क्लियर करने के लिए। कोचिंग क्लासेस कहीं पर लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इतना कंसेप्ट आपका मैं क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नोट्स लिखना पड़ेगा। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहा है उसके आप नोट्स लिखो, उसको आप पेपर पे लो और उसको रिवीजन करो। रिवीजन करने से ही आप परफेक्ट हो जाओगे, नहीं तो क्या होगा, आज आपने एक वीडियो देखा और फिर उसके नोट्स नहीं लिए, दूसरा वीडियो आपने देखा पहला वीडियो भूल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर वीडियो को ध्यान से देखो, और यह भी बोलता हूं अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ आपका, अगर कोई माइंड में कचर मचर है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। कुछ बच्चों ने मुझे बोला सर सिंगुलर प्लूरल जो है नाउन इन नंबर पढ़ाओ, तो डेफिनेटली वो भी पढ़ाऊंगा, उसको भी पढ़ाने के मैं एक वीडियो उसके ऊपर ही बनाऊंगा। मतलब देखो हर कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे।
जैसा कि मैंने बताया अभी एडजेक्टिव हो गया, हम एडवर्ब बना रहे हैं। वर्ब तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, एकदम डीप में बनाया है। एडवर्ब के बाद हम प्रेपोजिशन देखेंगे, प्रेपोजिशन कंजंक्शन, और उसके बाद में हम टेंस चेंज द वॉइस एज अ स्टेप बाई स्टेप देखेंगे। लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेरा वीडियो कंटिन्यूअसली देखना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।